Hello students, today we are going to discuss JEE Mains 2023 questions on limits. Limits continuity and differentiability में बच्चा ज़्यादा कोई तो scope नहीं है, वही same regular pattern of questions जो हम theory के साथ already cover कर चुके हैं. तो ये बहुत ही scoring section है. इस particular year as such limit पे questions थोड़े से कम हैं, but limit continuity and differentiability में बच्चा together number of questions comes out to be more or less the same every year. देखते हैं first question. Numerator में mixture of function का presence है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, और जब कभी भी हम 1 cos θ का प्रेजेंस देखते हैं वी इमीडिएटली राइट इट एज 2 sin² θ/2. तो यहाँ पे हो गया 2 sin² x. और बच्चा जब भी आप लिमिट से डील कर रहे हैं और साइंस स्क्वेयर एक्स का प्रेजेंस एज ए फैक्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसका प्रेजेंस नहीं है, एज ए फैक्टर है, देन इन दैट केस एज एक्स अप्रोच इज जीरो आप साइन एक्स को x से रिप्लेस कर सकते हैं. सो कैन आई से द डिनोमिनेटर इज 2x², ठीक है. अब इसके पास दो जीरोस का प्रेजेंस है, आज x अप्रोचेस जीरो, x स्क्वायर का प्रेजेंस है, ठीक है, सेकेंड डिग्री है. अब न्यूमिरेटर में मिक्सचर बेस्ट है तो एक्सपांशन का यूज लेंगे हम. वैसे एलएचयूएल एंड एक्सपांशन इस तरह के क्वेश्चन में दो चॉइसेस होते हैं, बट एक्सपांशन इज द बेस्ट वे आउट, ठीक है. सो लेट जस्ट गेट इन टू द एक्सपांशन. ई पावर ए एक्स का एक्सपांशन 1 + ax/1 factorial, a² x² / 2 factorial. और बच्चा एक्सपांशंस तो इनफाइनाइट सीरीज होती है, तो टर्म्स आपको कहाँ तक लिखना है उसके लिए आप डिनोमिनेटर के प्रेजेंस को देखें. वी हैव 2 0 सेकेंड डिग्री, तो आपको सेकेंड डिग्री से बियॉन्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं लिख भी देती हूँ, देखो अगर मैं x³ वाला टर्म मेंशन कर भी देती हूँ, डिनोमिनेटर में x² है, तो ये क्या क्रिएट करेगा, x इज अप्रोचिंग 0, दिस विल बिकम, ठीक है. तो उन टर्म्स को लिख के अपना टाइम वेस्ट ना करें. अब आ जाएँ सेकेंड में, cos bx दैट इज b² x² / 2 factorial, इसके आगे के टर्म्स हम नहीं लिखेंगे, देन cx/2 e^-cx. सो 1 - cx, इसके आगे अब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ x है यहाँ x है, टुगेदर दैट बिकम्स x². डिनोमिनेटर के पास 2x² है, x टेंस टू 0. अब ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर के पास दो जीरोस है, इस तरह के क्वेश्चन में आंसर या तो इन्फाइनेटली लार्ज आता है, या तो जीरो आता है, या नॉन जीरो फाइनाइट आते हैं, राइट. तीन तरह की चीज़ें यहाँ बनती है. अगर न्यूमरेटर के पास डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से स्मॉलर आता है, यहाँ पे x² है, तो न्यूमरेटर के पास अगर x वाला टर्म रह जाता है या कांस्टेंट टर्म का प्रेजेंस रह जाता है, इन दैट केस आंसर कभी भी फाइनाइट नहीं आ सकता, ठीक है. तो अगर हम आंसर फाइनाइट चाहते हैं तो वेरी क्लियर, x² से स्मॉलर मतलब डिग्री 1, डिग्री 0 मतलब कॉन्स्टेंट, एंड x वाले टर्म न्यूमरेटर से वैनिश हो जाने चाहिए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर न्यूमरेटर के पास x² वाला टर्म बचा हुआ है, इन दैट केस आंसर विल बिकम नॉन जीरो फाइनाइट, एंड आंसर विल बी x² का कोएफिशिएंट का रेशियो, न्यूमरेटर में जो है अपॉन डिनोमिनेटर का कोएफिशिएंट का रेशियो, ठीक है. अगर न्यूमरेटर के पास x² वाला टर्म खत्म हो गया है, x³ वाला टर्म है, या कोई भी डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, तो 2 से हायर का प्रेजेंस है, आंसर विल कम आउट टू बी 0, क्लियर. अब इसे कंप्लीट करते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर है नॉन जीरो फाइनाइट, तो क्लियर है न्यूमरेटर के पास x² वाले टर्म का प्रेजेंस रहेगा, एंड x एंड कांस्टेंट टर्म वैनिश हो जाने चाहिए. कांस्टेंट टर्म तो आज इट इज कैंसिल आउट हो रहा है, x वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, सो a - c/2 वी वॉन्ट इट टू बी 0. सेकेंड थिंग, जो आंसर आएगा वो x² का कोएफिशिएंट का रेशियो आएगा, यहाँ x² है, x² यहाँ, सो इट इज a² / 2 b² / 2 c² / 2. डिनोमिनेटर में x² का कोएफिशिएंट 2 है एंड द आंसर इज 17, तो हमें यहाँ से मिलता है a² + b² + c² इज इक्वल टू ये 2 और यहाँ से 2, तो यहाँ 4, सो दैट इज 68. और हमें क्वेश्चन ने ए एंड बी में पूछा है, तो सी को हमें एलिमिनेट करना है, और सी हम यहाँ से लिख सकते हैं टू बी 2a. सो सी की जगह पे अगर हम 2a रिप्लेस करते हैं तो यह आ जाता है 4a² विथ a² 5a² प्लस b² इज इक्वल टू 68. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, x इज अप्रोचिंग 0, इमीडिएटली चेक कर लो कौन कौन से वो टर्म्स है जो 0 दे रहे हैं, ठीक. तो ये वैल्यू 1 को अप्रोच करता है, तो उसकी जगह पे हम 1 ही पुट कर दें, क्योंकि वो एज ए फैक्टर उसका प्रेजेंस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता तो ये काम हम नहीं किए होते. और ये वाला वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ओवरऑल 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. लेट्स गेट इनटू द हैंडलिंग, इसकी जगह पे हम 1 रिप्लेस करने वाले हैं. अब साइन x एज x अप्रोचेस 0 वी ट्रीट इट टू बी x, ठीक है. तो ये आ जाएगा 4x
का क्यूब, डन। और ये है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर 3x, दैट इज साइन स्क्वेयर 3x, तो ये हुआ 3x का स्क्वेयर। एंड लॉग 1 प्लस 2x अपॉन 2x, स्टैंडर्ड रिजल्ट, इंटू 2x, 2x से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, होल पावर 5, पावर 5, ये लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट है बेटा, दैट इज 1। अब न्यूमरेटर में हमारे पास एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स पावर 5 का प्रेजेंस है, यहाँ पे भी एक्स पावर 5 का प्रेजेंस है, और अलॉन्ग विथ कोएफिशिएंट, दिस इज 2 पावर 5, एक्स पावर 5, एक्स टेंस टू 0, ये हो गया कैंसिल, दिस इज 2 पावर 6, 2 पावर 5, यहाँ रह जाता है 2, सो 9 इंटू 2 एंड दैट इज 18, फाइन। नेक्स्ट बेटा, लेट ए वन, ए टू, ए थ्री, सो ऑन, ए एन बी एन पॉजिटिव कंजिक्यूटिव टर्म्स of an arithmetic progression where d is greater than 0, it is the common difference, then value of this। बच्चा इस तरह का सीरीज तो हम कई बार यूज में ले चुके हैं, ए पी बेस्ट, ठीक। क्या करते हैं, हम एक एक टर्म को रैशनलाइज करेंगे, तो उसके लिए रूट ए वन प्लस रूट ए टू है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर लेट्स टेक इट एज रूट ए टू माइनस रूट ए वन, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा ए टू माइनस ए वन, एंड ए 3 माइनस ए टू, और डिनोमिनेटर में बाय दैट जो लास्ट टर्म होगा माइनस ए एन माइनस वन, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, और ये पूरा मल्टीप्लाइड है रूट डी बाई रूट एन, एंड एन इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, फाइन। बच्चा क्या ये कॉमन डिफरेंस ही है ये सब, तो ओवरऑल कैन वी राइट इट एज डी इन द डिनोमिनेटर, फाइन। और इसमें कैंसलेशन होता जाएगा, सभी टर्म इन बिटवीन कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास लास्ट वाला ए एन बचेगा, और ये अगर आपको इस तरह से कैंसलेशन ईजिली विजिबल नहीं है तो आप इस तरह से लेयर में लिखते हुए कर सकते हैं, हियर ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे, एंड विल बी लेफ्ट विथ हियर, ये सब कैंसिल हो गया, ये रह गया और ये रह गया, ठीक है। नाउ इट इज, यहाँ से इसे कैंसिल करते हुए वी विल राइट 1 बाई रूट एन रूट डी एंड माइनस, फाइन बेटा। अब हमारा क्वेश्चन है n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ये हमें क्या आंसर देगा, तो उसके लिए हमें ए एन लिखना होगा, दैट इज ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये स्क्वेयर रूट माइनस रूट ए वन अपॉन रूट एन रूट डी, और बच्चा इन्फिनिटी के सामने फाइनाइट वैल्यू का एग्जिस्टेंस नहीं काउंट होता है, ठीक, और ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है, उसे भी आप डिस्कार्ड कर दें। सो न्यूमरेटर में जो रूट एन है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप एन का प्रेजेंस देखें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो कुछ इस तरह से बच गया है हमारे पास, राइट, एंड ये कंप्लीट कैंसिल आउट होते हुए हमें आंसर देते हैं 1। और वैसे भी हमें ये भी पता है कि जो लार्जेस्ट इन्फिनिटी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के पास है, जो कि रूट एन के फॉर्म में है, तो उसका कोएफिशिएंट का रेशियो हमारा आंसर होता है, तो हियर इट इज 1, फाइन। नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेट एफ ऑफ एक्स बी दिस, देन एफ पावर एन, यहाँ कंपोजिशन ऑफ एफ टेकन एन टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन व्हाट इज दिस इंटीग्रल, एन इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो इंटीग्रेशन है ये एक्स वेरिएबल को हैंडल कर रहा है, और जो लिमिट है वो एन वेरिएबल को हैंडल कर रहा है। जब हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं और दोनों का टारगेट एरिया डिफरेंट है, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों अलग अलग वेरिएबल को हैंडल कर रहे हैं, इन दैट केस बोथ आर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर। और जब दो चीज़ें इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं तो वो किस ऑर्डर में परफॉर्म होती है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, उससे बेटर है कि हम पहले लिमिट अप्लाई कर देते हैं एंड उसके बाद इसे इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले हमारे पास ये फंक्शन तो होना ही चाहिए, तो कंपोजिशन पे आते हैं। एफ ऑफ एक्स इज एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पावर एन होल पावर, तो अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात करें तो यहाँ है एक्स पावर एन होल पावर एन, और बहुत से बच्चों को ना थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजिंग सा लगता है, तो उस केस में आप दो स्टेप में कर लें, आप इसे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे ना, तो ये यहाँ पे एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स आप पुट करेंगे तो ये आ गया। अब अगर आप करेंगे तो वो कन्फ्यूजिंग आपको नहीं लगेंगे चीज़ें,
ठीक है, अब आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये रिप्लेस कर दें। हम डायरेक्टली कर रहे हैं दिस, वन प्लस एफ ऑफ एक्स का पावर एन, सो दैट विल बी एक्स पावर एन, वन प्लस एक्स पावर एन होल पावर वन बाई एन। इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, वन प्लस एक्स पावर एन होल पावर वन बाई एन। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो वन प्लस एक्स पावर एन डायरेक्टली लिख रही हूँ बेटा, वन प्लस टू एक्स पावर एन, एंड सेपरेट भी कर देते ताकि इस टर्म को मैं कैंसिल कर पाऊँ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट डू वी गेट, वन प्लस टू एक्स पावर एन होल पावर वन बाई एन। ठीक, अब हमें वैसे तो पैटर्न थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, लेकिन तीन टर्म तो लो बिफोर यू जनरलाइज कि क्या पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स पावर एन का ही कोएफिशिएंट है जो चेंज हो रहा है, वहाँ वन है या टू है। अब हो सकता है कि वो एपी बनाए, हो सकता है वो जीपी बनाए, ठीक है, तो पैटर्न को स्टडी करने के लिए एक और टर्म आप ले लो। सो इफ आई टेक दैट इज एफ स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स, ठीक है बेटा, सो इसमें एक्स की जगह पे हम एफ ऑफ एक्स रिप्लेस करने वाले हैं। सो वन प्लस एक्स पावर एन होल पावर वन बाई एन अपॉन वन प्लस टू एक्स पावर एन, वन प्लस एक्स पावर एन होल पावर वन बाई एन। अब क्लियर हो जाता है, जैसे ही हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो ये टर्म तो हो जाएगा कैंसिल एंड विल बी लेफ्ट विथ। अब इसके बेस पे क्या हम ये कह सकते हैं, nth टाइम जब हम लेते हैं कंपोजिशन, दैट विल बी वन प्लस एन एक्स पावर एन होल पावर वन बाई एन। ठीक है, अब इस पे आते हैं, दैट इज एक्स पावर एन माइनस टू, एंड इसकी जगह पे आ गया वन प्लस एन एक्स पावर एन होल पावर वन बाई एन। इंटीग्रेशन वर्क हम बाद में करेंगे, पहले हम लिमिट को हैंडल करेंगे। ये दोनों साथ में मिलके ये है, अब ध्यान से समझना, वन प्लस एन एक्स पावर एन, यहाँ भी एन का प्रेजेंस है, यहाँ पे भी है, तो सबसे पहले तो इस वैल्यू का पता करना बहुत ज़रूरी है। तो एन एक्स पावर एन, एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी एंड वेन एक्स इज बिटवीन जीरो एंड वन, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जब जीरो से वन के बीच में कोई नंबर आप लेते हैं और उसका पावर आप इन्फिनिटी लेते हैं, देन दैट वैल्यू अप्रोचेस जीरो, तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का डीलिंग है, कैन वी राइट दैट टू बी राइट। अब अगर हम एलएचयूएल अप्लाई करते हैं तो ये आ गया, एंड दिस इज माइनस एन एक्स पावर माइनस एन माइनस वन। ठीक, अब आप देखें, इज दिस एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन, ठीक, ये वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को, तो ये जीरो बन गया, तो ये जीरो है, राइट, एंड पावर में हमारे पास क्या है, एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी दिस इज जीरो, तो यहाँ कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं हुआ है। व्हाट आर वी गेटिंग, इट इज वन पावर जीरो एंड दैट इज वन, तो डिनोमिनेटर तो ओवरऑल वन है और न्यूमिरेटर है एक्स पावर एन माइनस वन, एक्स का वैल्यू जीरो से वन के बीच में, पावर एन माइनस वन है जो कि इन्फिनिटी है, जीरो से वन के बीच का नंबर का पावर जब इन्फिनिटी होता है तो वैल्यू अप्रोचेस जीरो, तो ओवरऑल हम जिसे इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट इज जीरो, सो आंसर फॉर द इंटीग्रल इज जीरो। फाइन, नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा देखने में, ठीक है, आप देखो टू पावर वन बाई टू माइनस टू पावर वन बाई थ्री, अप्रॉक्स बता दो क्या ये हमें रिजल्ट देगा, विल दैट बी बिटवीन जीरो एंड वन, क्या ये वैल्यू भी जीरो एंड वन के बीच में ही आएगा। इस तरह से एवरी इंडिविजुअल टर्म को आप एक बार देख लो, टू का स्क्वायर रूट, टू का टू एन प्लस वन एथ रूट, ये सभी के सभी टर्म जीरो से वन के बीच में आएंगे, कन्फर्म्ड है। तो बच्चा अगर आप जीरो से वन के बीच के नंबर्स इनफाइनेटली मिनी लेते हो, क्योंकि इनफाइनेटली मिनी नंबर ऑफ टर्म्स आ दे, सो वो मल्टीप्लाई होके दैट इज गोइंग टू अप्रोच जीरो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं। एंड सेकेंड वे आउट इज, आप ये बताओ मुझे, क्या वन बाई थ्री वन बाई फाइव, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सभी में सेम है, जो वेरी कर रहा है वो ये है, सो कैन आई राइट दिस, फाइन, एंड अगर हम टू के पावर में इन्हें लिखें तो मोर द पावर मोर विल बी द आउटकम, और अगर हम माइनस साइन के साथ उन्हें लिखते हैं तो माइनस टू पावर वन बाई थ्री स्मॉलर, ये है राइट। अब ये वाले टर्म्स क्रिएट करने के लिए मैं टू पावर वन बाई टू सभी में ऐड कर देती हूँ, फाइन, टू पावर वन बाई फाइव एंड सो ऑन, टू पावर वन बाई टू माइनस टू पावर वन बाई
टू एन प्लस वन, ठीक है। तो क्या ये इंडिविजुअल टर्म्स की अगर हम बात करें, कैन आई से लोवेस्ट जो हम सोच सकते हैं कभी, दैट इज पॉसिबल व्हेन आई ट्रीट एवरी टर्म टू बी दिस, क्योंकि एवरी टर्म इज लार्जर देन दिस, ठीक। सो कैन आई से दिस इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन 2^(1/2) - 2^(1/3) होल पावर नंबर ऑफ टर्म्स, और वो है एन, एंड एन इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो बच्चा ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, जब हम उसका पावर इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू 0 बनेगा। एंड अपर साइड में अब आप आ जाएं, ये जो लार्जेस्ट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाकी सारे के सारे टर्म्स इससे स्मॉलर है, सो कैन आई से इट इज स्मॉलर देन 2^(1/2) - 2^(1/2)(n+1) होल पावर एन, एंड ये 0 से 1 के बीच में पावर इन्फिनिटी है तो 0। तो ये जो लिमिट है ये 0 एंड 0 के बीच में सैंडविच्ड है, सो द वैल्यू इटसेल्फ इज 0, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देना, इन्फिनिटी के सामने फाइनाइट वैल्यू का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है ना, तो आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी है, तो ओवरऑल ये इन्फिनिटी क्रिएट कर रहा है, तो इसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं इस टर्म को ट्रीट कर सकती हूँ आज होल पावर 6, 2^6, 3^3, x^6, ठीक है, इस टर्म की जगह पे। अब इस पे आ जाएं, ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसको तो हमें सॉल्व करके ही बताना होगा। और दूसरा, आप ऐसे देख सकते हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, ये वाला टर्म देखो, स्क्वेयर रूट को भी आप इग्नोर करो, सिर्फ इन दोनों में आप डिफरेंस देखो, क्या है बच्चा ये, इन्फिनिटी के सामने तो बहुत 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 छोटा है ना, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, एवरी फाइनाइट वैल्यू इज़ नेग्लिजिबल कम्पेयर टू इन्फिनिटी। तो जब इन दोनों में डिफरेंस ही फाइनाइट वैल्यू का है, सो डज इट मीन कि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे एट इन्फिनिटी, राइट। तो आप इसे जीरो डायरेक्टली कह सकते हो इस सिचुएशन में, अदरवाइज प्रॉपर सॉल्विंग तो हमें पता ही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के लिए हमें क्या करना है, रैशनलाइज करेंगे। तो ये आ गया, एंड डिनोमिनेटर में 3x + 1 + 3x - 1। अब ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये पूरा है इन्फिनिटी, एंड न्यूमरेटर में है 2, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी दैट रिजल्ट टू ए 0, ठीक है। तो इस टर्म को आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, और हमारे पास x क्यूब का भी प्रेजेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं इन द सेम वे, ये फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके सामने, और स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर मॉड एक्स होता है, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स बन जाएगा, तो ये हुआ 2x, 2x^6। बच्चा यहाँ पे ध्यान देना, ये रूट एक्स का पावर 6 है ना, तो ये 3 है, ठीक है। अब आ जाएं इस टर्म पे, इसका जो स्क्वेयर रूट होगा वो एक्स होता है, और अगर हम इसको भी स्क्वेयर रूट के फॉर्म में लिखे तो ये है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो 1 है, फाइनाइट वैल्यू है, सो दे गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा, अदरवाइज ये प्रोसेस तो है ही आपके पास, आप रैशनलाइज कर दें, व्हाट वी गेट इज दिस, x + √(x^2 - 1), ए फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी, 1/∞ अप्रोचेस 0। तो ये टर्म भी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अब x इज अप्रोचिंग 0, ये पूरी तरह से हो गया कैंसिल, ये भी खत्म, आंसर इज 27, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इट सेज लेट f, g एंड h बी रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन R, f ऑफ x इज गिवन, जहाँ कहीं भी सिंप्लीफिकेशन का स्कोप आपको नजर आ रहा है आप सिंप्लीफाई करते हुए ही लिख लें, x/mod x, x अगर पॉजिटिव है तो x/x हो जाएगा, एंड x 0 के लिए 1 है, एंड x नेगेटिव के लिए mod x - x बन जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके -1, ये हो गया f ऑफ x इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। g ऑफ x में कोई स्कोप ही नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। h ऑफ x सेज अस दिस, ओके, देन वैल्यू ऑफ दिस, अब x इज अप्रोचिंग 1, ठीक है। आप कंपोजिशन फ्रेम करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप इस तरह से करो, जब x 1 को अप्रोच कर रहा है, सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट विल बी g ऑफ h ऑफ x इज 1 - h, सो 1 - h - 1, दैट इज -h, ये h फंक्शन का नाम है, और ये h नेग्लिजिबली स्मॉल है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, h इज अप्रोचिंग 0। अब इसकी बेस पे आप फ्रेम कर लो कंपोजिशन, बताओ अगर बहुत छोटा सा एक नेगेटिव नंबर हम लेते हैं तो h क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाते हैं h ऑफ -h, दैट इज 2 - h - f(-h), फाइन, और माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होता है कॉन्स्टेंट आएगा, दैट इज -1, तो ये आ गया -2, एंड एफ ऑफ माइनस एच मतलब वेरी स्मॉल ए नेगेटिव नंबर, तो ये भी एक कॉन्स्टेंट ही है, सो दैट गिव्स अस -1, ये हुआ -1 जो कि कॉन्स्टेंट है, हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वैल्यू अप्रोचिंग नहीं आ रहा है, वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये आ गया जी ऑफ -1 which is 1, ठीक।
अब अगर आप राइट हैंड लिमिट देखें तो जी एफ एच एफ एच, एच एफ एच अगर हम लेंगे तो ये तो है जीरो, एंड एफ ऑफ एच, एच इज़ वेरी स्मॉल ए पॉजिटिव नंबर, तो ये माइनस वन है, तो जी एफ माइनस वन विच इज़ वन, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है विद ए वैल्यू एज वन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेट एक्स इक्वल टू टू बी ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जब कभी भी ऐसा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन देता है ना, आप एक्स के पे टू पुट कर दो, एक रिलेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं उसका यूज आएगा। ठीक, अब एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, यहाँ सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है क्योंकि पी एंड क्यू दोनों का प्रेजेंस है, इस रिलेशन के हेल्प से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप सिंप्लीफाई करते हुए लिमिट का डिस्कशन कर सकते हो, या तो यहाँ पे सिर्फ वन साइडेड लिमिट है तो आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर लो और वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन होगा वो हम कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे, टू पी प्लस है तो एक्स के पर टू पी प्लस एच डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं। सो इट इज़ वन माइनस कॉस टू पी प्लस एच माइनस फोर पी टू पी प्लस एच, एंड देन वी हैव ये, अगर क्यू वाले टर्म्स को आप ध्यान से देखो तो एज इट इज ए परफेक्ट स्क्वेयर ही तो है, ऐसे लिख देते हैं, एंड एक्स आज टू पी प्लस एच, टू पी कैंसिल हो जाएगा, एच पावर फोर। फाइन, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्यू प्लस फोर अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनस टू पी है, तो इसके जगह पे मैं लिख देती हूँ फोर पी स्क्वेयर। नाउ क्या ये एज इट इज एक परफेक्ट स्क्वेयर है? आप देख सकते हो, अदरवाइज तो आप इंडिविजुअली एक एक को ब्रेक करते हुए सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये x है, 2p y है, तो ये x माइनस y का होल स्क्वेयर है। तो जब डायरेक्टली पता चल रहा है तो डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक, सो आई राइट दिस टू बी 2p प्लस एच माइनस 2p का होल स्क्वेयर, मतलब ये पूरे का पूरा सिंप्लीफाई होके। फाइन, अब 1 माइनस कॉस थीटा, वी नो दैट इज 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, परफेक्ट। और हमने ये भी पढ़ा है साइन एक्स व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, और वो एज ए फैक्टर उसका प्रेजेंस है, तो हम डायरेक्टली उसको एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज एच पावर फोर टू स्क्वेयर, दैट इज फोर। ठीक, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास एच पावर फोर का प्रेजेंस है, तो ओवरऑल ये पूरा सिंप्लीफाई होके ये रह गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एच अप्रोचिंग जीरो प्लस पे डिस्कस करना है, तो हम इसे कर देते हैं कैंसिल और ये रह जाता है हाफ, और हाफ का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है। फाइन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है हियर बेटा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर के पास इनफाइनाइट सीरीज का प्रेजेंस है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। अब अगर हम इससे पहले स्टडी कर लें ना बच्चा, एन इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, यहाँ ध्यान देना ये जीरो नहीं है, इट इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर आप इससे देखें बस, तो ये है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसी पे वर्क कर लेते हैं, तो 2n पावर 4 रैशनलाइज कर रहे हैं, माइनस n पावर 4 माइनस 5n माइनस 4 अपॉन वी हैव 2n पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 प्लस n पावर 4 प्लस 5n प्लस 4। न्यूमरेटर के पास है n पावर 4 माइनस n माइनस 1, इतने बड़े वैल्यू के सामने इनका एग्जिस्टेंस काउंट ही नहीं होगा, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो वी हैव प्रेजेंस ऑफ एन पावर फोर हियर, और इसके सामने ये काउंट नहीं होंगे, ये भी काउंट नहीं होंगे, तो रूट टू प्लस वन टाइम्स ऑफ एन स्क्वेयर। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिख सकते हैं ये पूरा एन स्क्वेयर अपॉन रूट टू प्लस वन। ठीक, अब इसी तरह से हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, सीरीज है, कुछ टर्म्स है जो नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं, वो सारे मल्टीपल्स ऑफ थ्री है, तो एक काम करते हैं हम सभी को प्लस में लिख देते हैं, और जब हमने सभी को प्लस में लिखा मतलब थ्री को हमने ऐड किया, सिक्स को ऐड किया, तो थ्री के मल्टीपल सभी नंबर्स को हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो इस एडिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सब्ट्रैक्शन आ जाएगा माइनस थ्री माइनस सिक्स, एंड पहले से एक और टर्म माइनस थ्री माइनस सिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो विल दैट बी थ्री प्लस सिक्स एंड सो ऑन। थ्री एन सिक्वेंस एंड सीरीज में हमने ये सब काम किया हुआ है, ये जो सम है दैट इज 3n इंटू 3n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, वैसे तो ए पी का सम भी आपको पता है, आप उससे भी लिख सकते हैं, बट आई प्रीफर 3 मैंने कॉमन ले लिया, सो 2 इंटू 3 दैट इज 6, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये कैंसिल हो गया, एंड इनफैक्ट ऐसे ही रहने दो, बेटर है कि एल सी एम लेते हुए दोनों के पास 2 होगा तो हम डायरेक्टली उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3n कॉमन बाई 2 भी लिख लेते हैं, तो 3n प्लस वहाँ पे बचेगा, एंड यहाँ से हमने 3n को कॉमन लिया है, तो हमारे पास 2n माइनस 2 का प्रेजेंस रह जाएगा। सो दिस इज
एन माइनस वन। इन्फिनिटी के सामने ये वैल्यू तो काउंट ही नहीं होगा तो हम इसे इग्नोर करते हैं। सो वी गेट थ्री एन स्क्वेयर प्लस टू। फाइन, अब बस रिप्लेस कर देते हैं बच्चा और आंसर लिख लेते हैं। न्यूमरेटर है थ्री एन स्क्वेयर बाई टू और डिनोमिनेटर है एन स्क्वेयर एंड रूट टू प्लस वन इन द डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, सो आई लेफ्ट विथ। फाइन, नेक्स्ट बेटा। और ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम थ्योरी के साथ कर ही चुके हैं लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। लुक एट बेटा, तो सबसे पहले तो हम इंटीजर को बाहर मूव कर देते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे भी राइट। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ये है, x टेंस टू अल्फा पे ये 7 होना चाहिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू पिक्चर इज, क्या ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हर अल्फा के लिए एग्जिस्ट करेगा? 7 के बारे में भूल जाएं, पहले एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। बच्चा अगर x एक इंटीजर है तो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आ जाएगा। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ भी तो देखा है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में देर इज अ गैप, देर इज अ जंप, ठीक है। यहाँ जो डिसकॉन्टीन्यूटी बनती है वो जंप डिसकॉन्टीन्यूटी बनती है, ठीक है ना। तो ये डिसकॉन्टीन्यूअस आ जाता है एट एवरी इंटीजर, और ये डिसकॉन्टीन्यूअस आता है एट एवरी प्लेसेस वेयर 2x इज एन इंटीजर, मतलब x इज ऑफ द काइंड i बाई टू। सो अगर मैं एक लिख के बताऊँ सिचुएशन कि इसमें डिसकॉन्टीन्यूटी आएगी एट ऑल द इंटीजर्स, मैं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, और ये i बाई टू, इसका मतलब हाफ 1, 2, इसके बीच में 3/2 भी आएगा इस तरह से। अब ये जो 1 है 2 है 3 है इंटीजर्स है उसमें ये दोनों ही डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो हो सकता है जब दोनों डिसकॉन्टीन्यूअस हो तो उनका डिफरेंस को हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, हमें स्टडी ही करना होगा। तो उन वैल्यूज पे तो हम स्टडी करके बताएंगे, लेकिन जो हाफ है 3/2 है उस उन जगह पे ये वाला डिसकॉन्टीन्यूअस है लेकिन ये कॉन्टीन्यूअस है, एंड एक कॉन्टीन्यूअस एक डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन का जो डिफरेंस है वो डिसकॉन्टीन्यूटी ही हमें देता है, और जो काइंड ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी क्रिएट होती है वो जंप डिसकॉन्टीन्यूटी ही क्रिएट होती है जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन आता है, आप खुद ही करके देख लें, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन सभी जगह पे, मतलब हाफ 3/2 दो नंबर्स जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है वहाँ पे ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो वैल्यू हमारे आंसर में कभी इंक्लूड हो ही नहीं सकता, मतलब अल्फा के वैल्यू उस तरह के नहीं लिए जा सकते, ठीक है। तो इसके बेस पे ही अगर आप ऑप्शंस को देखें आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -7.5 इंक्लूडेड है जो कि इस तरह का वैल्यू है, यहाँ पे दोनों ही मिसिंग है, मतलब हमारा आंसर यही आएगा, यहाँ पे तो ये इंक्लूडेड है यहाँ पे दोनों ही इंक्लूडेड है, तो ये तो हमारे आंसर आ ही नहीं सकते। सो बाय दैट हमें आंसर मिल चुका है लेकिन हम इसे अब कम्प्लीटली सॉल्व करके देखना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात आती है इंटीजर्स पे हम चेक करेंगे, तो उसे चेक करने के लिए अल्फा इज एन इंटीजर दैट वी आर कंसिडरिंग, तो आप ध्यान देना अल्फा इज एन इंटीजर, अल्फा ही ले लेते हैं। सो राइट हैंड लिमिट अल्फा प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, अल्फा इज एन इंटीजर तो ये आ जाएगा अल्फा, और ये है 2α + 2h, अल्फा इज एन इंटीजर सो 2α इज एन इंटीजर, 2α में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो ठीक है, सो अल्फा इज -7। एंड अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो इन दैट केस दिस इज अल्फा -h जो कि अल्फा -1 देगा, एंड ये 2α में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है बहुत छोटा सा कुछ, तो ये आ जाएगा 2α, दिस इज अगेन इज -α एंड लिमिटिंग वैल्यू इज 7 करेक्ट। तो अगर ऐसा कोई इंटीजर है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सेटिस्फाई हो सकता है दैट इज -7, ठीक है। तो हमारे आंसर में -7 द ओनली इंटीजर वैल्यू दैट इज पॉसिबल दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ आर आंसर जो कि है। तो हमने इंटीजर्स पे डिस्कशन कर लिया और हमने वो नंबर्स जिनका फ्रैक्शन वैल्यू 0.5 है, मतलब हाफ 3/2, उनके रिलेटेड भी डिस्कशन कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं दोज नंबर्स वेयर इट इज़ एनी रियल नंबर बट नॉट ऑफ द काइंड आई बाई टू। अगर मैं आई बाई टू कहूँ ना तो इसमें इंटीजर भी कवर हो जाता है ना, आई की जगह पे 1 रखोगे तो हाफ आया, 2 रखोगे तो 1 आ गया, लाइक दैट सब कुछ इसमें कवर हो जाएंगे। तो अब हम अल्फा इस तरह के वैल्यू लेके डिस्कस कर रहे हैं, तो बता दें तो इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम पुट करेंगे ना, ये है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म राइट बेटा। तो अब हम एक्स को कंसिडर कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, अल्फा प्लस एच, और ये है 2α + 2h राइट बच्चा। अल्फा एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, उसमें कुछ छोटा सा ऐड हुआ, जैसे कि ले सपोज अल्फा 0.4 है, कुछ छोटा सा ऐड करोगे तो उसका ग्रेटेस्ट जो वैल्यू
ग्रेटेस्ट जीरो वैल्यू ऑफ अल्फा ही तो रह जाएगा, उसी तरह से ये ग्रेटेस्ट जीरो वैल्यू ऑफ टू अल्फा ही रह जाएगा, फाइन। और ये हमें 7 चाहिए, उसी तरह से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। अल्फा माइनस एच, अल्फा एक इंटीजर नहीं है, जैसे 0.4 है, 0.4 के दोनों साइड नेबरहुड में जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अल्फा ही आएगा, उसी तरह से यहाँ पे। सो दिस इज माइनस, तो दोनों से हमें सेम ही चीज़ मिल रहा है। अब बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और अल्फा को आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आई प्लस एफ लेते हुए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी हियर आई प्लस एफ माइनस टू आई प्लस टू एफ, वी वॉन्ट इट टू बी 7। इंटीजर बाहर जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होता है, उसका ग्रेटेस्ट नंबर वैल्यू 0 होता है, तो ये डायरेक्टली आई है, 2i बाहर आ गया और हमारे पास रह गया, फाइन। सो माइनस आई माइनस टू एफ का ग्रेटेस्ट नंबर वैल्यू, हमें ये 7 चाहिए। अब आप बताएं 2f, f 0 से 1 के बीच में होता है, यहाँ पे लिखते हैं 0 से 1 के बीच में होता है, 0 क्लोज होता है, लेकिन जिस तरह के नंबर का हम डिस्कशन करें नॉन इंटीग्रल नंबर्स है ना, तो हम ओपन इंटरवल में ही लिखेंगे। तो 2f 0 से 2 में होगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर वैल्यू होगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सो कैन वी से 2f का ग्रेटेस्ट नंबर वैल्यू 0 होगा जब 2f का वैल्यू 0 से 1 में हो, मतलब अगर f का वैल्यू 0 से हाफ में हो, एंड ये 1 बनेगा अगर 2f का वैल्यू 1 से 2 में हो, दैट मीन्स अगर f का वैल्यू हाफ से 1 में हो, करेक्ट है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दो केसेस, अगर f का वैल्यू 0 से हाफ में है, इन दैट केस ये 0 बनेगा, सो माइनस आई इज 7, आई इज माइनस 7, और जो नंबर x क्रिएट होगा, जैसे यहाँ पे अल्फा है, अल्फा क्रिएट होगा i प्लस f को मिला के, तो i तो एक कांस्टेंट है, तो f जब हम इसे सम अप करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ f के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड लार्जेस्ट वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर ये आया। अब सेकेंड केस पे चलते हैं, अगर f का वैल्यू हाफ से 1 में है, इन दैट केस क्या होगा, ये वैल्यू 1 बन जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर वैल्यू, उसे हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो i इज माइनस 8, परफेक्ट। और बच्चा जब हम x फ्रेम करेंगे तो i प्लस f से बनेगा, x इस केस में अल्फा है, ठीक। तो अल्फा की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या आएगा, माइनस 8 प्लस हाफ माइनस 7.5 टू माइनस 7, फाइन बेटा। अब इसे हम कंबाइन कर देते हैं, और माइनस 7 हमारे लिए पहले ही हमने देख लिया ना इंटीग्रल वैल्यूज में कौन सा हमारा सोल्यूशन आएगा, तो उसमें माइनस 7 आया हुआ था, यही तो आंसर मिलता है, ठीक है। सो दैट्स इट बेटा, थोड़ा सा अगर आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो टाइप्स में जैसे मैंने पहले ही बोला ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। सो क्लोजिंग इट बेटा।